क्या अखिलेश यादव की रणनीति में फंस गए कई नेता? लोकसभा चुनाव के बहाने समाजवादी पटा बना रही है विधानसभा 2027 का माहौल। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से क्यों डरती है समाजवादी पार्टी? सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के आने का विरोध किया था। आखिर किस वजह से बहुजन समाज पार्टी के विधायक और सांसद की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मजबूरी बहुजन समाज पार्टी ही है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपनी राय दें कि जो बातें बताई गई हैं वो कितना सही है। नमस्कार, EMT टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज बहुत ही गूढ़ टॉपिक पर आपसे बात करनी है। हमने एक रिसर्च तैयार किया है और जो हम आपके साथ साझा करेंगे, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आज की राजनीति जातिगत जाता होते जा रही है। पिछड़ों के नाम पर 90 के दशक में चुनाव लड़ा गया तो मुलायम सिंह के नेतृत्व में पिछड़े समाज एक बैनर के नीचे आए। उसमें पिछड़े समाज के कई जातियां थी। उसी दशक में दलित राजनीति की बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और दलित समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज की बात की। उसने अपना नारा दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समय के साथ साथ आज राजनीति उच्च समूहों में बट गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यादव समाज के बेस वोट की पार्टी माना जाने लगा और बहुजन समाज पार्टी को दलित बेस वोट की पार्टी माना जाने लगा। बीच में उत्तर प्रदेश में 17% अकलियत समाज रह गया, जो समय समय पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ बना रहा। अकलियत समाज से मतलब मुस्लिम समाज से मेरा है। अब राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई तो उसने सबसे पहले सपा को पिछले समाज से ही गैर यादव समाज की राजनीति करके अन्य पिछले समाज के नेताओं को बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यही राजनीति की कि पिछले समाज की राजनीति यानी पिछले समाज को जोड़ने के लिए उसने गैर यादव पिछले वर्ग को वरीयता दी और पिछले समाज के तमाम नेताओं को उसने आगे किया और बनाया, जिसमें जिसका प्रतिफल हुआ कि SBSP, जिसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहते हैं, और अपना दल, ये अपनी पहचान के रूप में उभरे। जयंत चौधरी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पहले से भी थी, लेकिन उसको भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पहचान मिली। तो इस तरीके से कई जो है सेंटर उभरे। ज्यादा आपको बोर ना करते हुए टॉपिक पर आता हूं, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर देंगे। वीडियो स्किप ना करिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अगर आप राजनीति में थोड़ी सी भी रुचि लेते हैं। आज लोकसभा चुनाव 2024 में आप सबको पता है देश में इंडिया और NDA गठबंधन दो ही मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ NDA गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में ढेर सारी पार्टियां हैं और NDA गठबंधन में ढेर सारी पार्टियां हैं। संख्या कहीं इंडिया गठबंधन में 28-29 है तो NDA गठबंधन में 40 तक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के फेर में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनाधार है और यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के चक्कर में देखा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने PDA का नारा दिया। इस PDA में सपा ने घोषित किया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर BJP को हरा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करेगी। बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, वह अपने राजनीति पर तो कायम रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जो भी प्रत्याशी अपनी पार्टी से दिए उसमें PDA की छाप दिखाई दे रही है।
समाजवादी पार्टी ने, आपको बता दें अभी तक मुझे नहीं याद है किसी ब्राह्मण समाज की किसी नेता को अपना प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सबको दे। आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के दौरान इस पर खुलकर बात भी सपा के अंदर हुई और समाजवादी पार्टी की सहयोगी पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज भी हुए। अब आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान आलोक रंजन और छह पर्दा के नाम पर ज्यादा बहस हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने पीडीए को नहीं जो है महत्व दिया। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि 2027 विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए। 2024 लोकसभा का एक बहाना है। इसके लिए उनको लगा कि ज्यादा पावरफुल नेता होने पर ताकत बढ़ जाती है। ज्यादा लोग पावरफुल अगर हो जाएंगे, ज्यादा नेता पावरफुल हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी और सत्ता के कई केंद्र हो जाते हैं, कई नेता जो इंटरफियर करने लगते हैं। इन पावरफुल नेताओं में जिनकी समान विचारधारा थी उसमें खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल जी थे, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के जयंत चौधरी जी थे, एक नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर भी थे, तीसरे नेता थे जो बहुत बोलते थे। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने भी अवसर का लाभ उठाया और उप मुख्यमंत्री को हराकर एक पावर बन चुकी थी। अपना दल का मेरावादी की नेता है लेकिन टेक्निकली वो जो है समाजवादी पार्टी की विधायक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दिया था और सिराथू से उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में एक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उनका तो कहना था कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ वही पार्टी जीतती है। वो बसपा में थे तो बसपा की सरकार बनी, भाजपा में गए तो भाजपा की सरकार बनी, सपा में आए सपा की सरकार बनेगी, लेकिन बना नहीं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने चाचा शिवपाल यादव को अपनी पार्टी से अलग ना रहने के लिए मनाया ताकि बीजेपी उनकी पार्टी से गठबंधन करके उनको सत्ता का नया केंद्र ना बना सके। और शिवपाल जी की भी मजबूरी थी कि बीजेपी से गठबंधन करने के बाद उनके साथ अकलियत समाज नहीं आ पाता, जो समाजवादी पार्टी का गैर यादव समाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा शिवपाल जी सपा में पार्टी का विलय कर लिए, अपनी पार्टी का शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया और उनको अखिलेश जी ने सम्मान भी दिया तो जो भी दिया। अभी आप देखिए पहले उनको जो है आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने बदायूं से प्रत्याशी बनाया, समाजवादी पार्टी में उन्होंने उनको महासचिव बनाया और आज जो है शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में फिट हैं। लेकिन वो चीज नहीं रह गई जो कभी मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करती थी शिवपाल जी के पास, फिर भी उन्होंने मना लिया। अखिलेश यादव ने एक रणनीति तैयार किया कि सत्ता के कई केंद्र ना बने, वे समाजवादी पार्टी या बीजेपी इन्हीं दो में से एक को चुने जितने नेता हैं। इसके तहत लोकसभा को समाजवादी पार्टी ने एक माध्यम बनाया। लोकसभा 2024 का चुनाव जो है यह समाजवादी पार्टी ने एक माध्यम बनाया, किसी माध्यम से हो सकता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया। वीडियो में आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले जयंत चौधरी से छुटकारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने उनके एनडीए में जाने का के बाद, जब वो एनडीए में गए तो कोई मनाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने 7 सीट दिया था, यहाँ तक कि एनडीए में जयंत चौधरी को 2 ही सीट मिली, लेकिन वो खुश हैं सपा ने लेकिन उनको मनाया नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि जाट समाज का वोट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के जाता है और जयंत चौधरी के साथ रह रहे अकलियत समाज का वोट समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएगा। लेकिन जयंत पर बीजेपी के साथ का ठप्पा लग जाएगा कि बीजेपी से जयंत जी गठबंधन कर सकते हैं। जयंत रूपी पावर अब दूसरे खेमे में है, आपको भी पता है वो एनडीए में शामिल है। अब अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खतरा कम हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको सीट शेयरिंग करनी होगी या उनके अलावा कोई दूसरा और भी है, क्योंकि जयंत चौधरी अब एनडीए में जाए। आइए बात करते हैं ओपी राजभर जी के बारे में। बीजेपी से गठबंधन करके 2017 में मंत्री बने थे ओपी राजभर, हर मुद्दों पर अपनी बात रखते थे।
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से तब योगी आदित्यनाथ से उनका झगड़ा भी हुआ और लोकसभा चुनाव 2019 के बाद हुए, भाजपा से अलग हो गए। ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बना लिया। ओपी राजभर विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सपा के साथ थे, लेकिन ओपी राजभर सपा के साथ रहने के दौरान ही अनाउंस करने लगते थे कि प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और चार उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और चार उप मुख्यमंत्री होंगे। यहां तक कि वे अपने को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर चुके थे ओपी राजभर। आपको बता दें, ओपी राजभर का कहना था कि हर साल मुख्यमंत्री अलग अलग समाज से होना चाहिए, यानी 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसमें हर साल मुख्यमंत्री यानी चेहरा सरकार का बदल जाना चाहिए और हमेशा हर समाज से अलग अलग समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहां तक कि समाजवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा जाता था कि अखिलेश यादव के सवाल पर, यानी कि सवाल अखिलेश यादव से है और जवाब ओपी राजभर देने लगते थे। अखिलेश यादव को भी लगा कि बड़ी पार्टी के नेता हैं और बात ओपी राजभर की ज्यादा हो रही है, तो विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि ओपी राजभर आज बीजेपी के साथ चले गए। अब विपक्ष में एक सत्ता का पावर और कम हुआ। पहले तो अपने चाचा शिवपाल जी को उन्होंने मनाया, फिर जयंत चौधरी से उन्होंने छुटकारा पाया और विधानसभा चुनाव के बाद ही वो ओपी राजभर से भी छुटकारा पा गए। आगे मैं बताऊंगा अखिलेश यादव ने और कौन सी चाल चली और कैसे बहुजन समाज पार्टी उनकी चाल पर पानी फेर रही है। वीडियो में बने रहिए, बस आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब बारी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नीतियों के अनुसार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते थे, रामचरितमानस पर टिप्पणी करते थे, जिससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं होती थी। बीजेपी सरकार पर आरोप, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से भी छुटकारा पाना चाहते थे, उनको अवसर मिल गया लोकसभा चुनाव में। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में थे लेकिन उनकी लड़की डॉक्टर संघ मित्रा बीजेपी से सांसद हैं बदायूं से, जहां से कभी अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव होते थे। समाजवादी पार्टी बदायूं से इस लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा था कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी उनकी पुत्री डॉक्टर संघ मित्रा को ही टिकट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से शायद उनको टिकट ना मिले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की ही लड़की के पूर्व पति डॉक्टर नवल किशोर साक्य को फरुखाबाद लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य बर्दाश्त नहीं कर पाए और राज्यसभा में सपा के प्रत्याशियों के बहाने समाजवादी पार्टी पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजा था समाजवादी पार्टी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया। समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ छोड़ने से भी संतुष्टि मिली। यहां तक कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोई कोशिश ही नहीं किया। सपा के ही नेता राम गोविंद चौधरी ने सपा नेता अध्यक्ष को पत्र भी लिखा लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं किया। अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य से भी छुटकारा मिल गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का किससे गठबंधन करेंगे और अकेले कोई राजनीतिक उनका बेस रहेगा नहीं। अब बची डॉक्टर पल्लवी पटेल। अपना दल कमेरावादी की नेता है, वो भी राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष से भिड़ गई कि प्रत्याशी पीडीए से नहीं आया है। यहां तक कि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने वोट तो सपा के पक्ष में दिया लेकिन विवाद सामने आया जो सबके सामने है। सपा के पक्ष में दिया उन्होंने लेकिन उन्होंने आलोक रंजन और जयाप्रदा को वोट नहीं किया। फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कमेरावादी का विवाद आया। अभी आपको हम बता दें कि डॉक्टर पल्लवी पटेल ने तो राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया, नहीं तो वो भी आज गठबंधन में ना होती, हो सकता है कि सपा के विधायक भी ना होती। आपको बता दें कि सपा से विरोध के बाद
स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल दोनों नेताओं ने कांग्रेस से नजदीकी बनाने की कोशिश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के दबाव में ही वो सफल नहीं हुए। अभी एक घटना घटी, अपना दल कमेरावादी ने 3 लोकसभा सीटों पर, जिसमें कौशाम्बी, मिर्जापुर, फूलपुर शामिल थी, अपना प्रत्याशी मतलब चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां जो है मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने अपने नेता राजेंद्र यश बिंद को टिकट दे दिया और पल्लवी पटेल की बात नहीं मानी। अभी फूलपुर और कौशाम्बी पर उनकी दावेदारी है, सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन कितना दबाव काम करेगा, दबाव तो बना ही दिया उन्होंने, इस पर देखने वाली बात होगी। अब सपा नेता अखिलेश ने 2027 के लिए मैदान साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव में पीडीए से प्रत्याशी देकर वे विधानसभा 2027 में 2 ध्रुवीय चुनाव कराना चाहते हैं और सत्ता के केंद्र को समाप्त कर दिया विपक्ष, और कोई नहीं रहेगा विपक्ष में, बस खाली अखिलेश यादव। लेकिन यही तो राजनीति है। अब आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से अपने रुख पर कायम है और अकेले लड़ रही है और वो अपना प्रत्याशी उतार रही है। बहुजन समाज पार्टी भी 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही कर रही है। आकाश आनंद को 2027 में बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना ही बनाना है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति रही है हारो हराओ और जीतो, सपोर्ट करिए। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती है तो भी समाजवादी पार्टी गठबंधन भी कुछ एक सीट के अलावा कहीं मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। और 2019 के लोकसभा का परिणाम सब देख चुके हैं। 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, बसपा 10 सीट पाई थी, सपा 5 ही सीट पर सिमट गई थी। 2022 विधानसभा चुनाव में ही अकलियत समाज ने समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा वोट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा को जीत नहीं मिली। यह बसपा के लिए फायदे का सौदा हुआ कि अकलियत समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौट सकता है और बहुजन समाज पार्टी का 20% वोट और अकलियत समाज का एक मुफ्त 17% वोट सपा को चुनाव से बाहर कर सकता है 2027 की रणनीति। इसी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी ने भी लोकसभा में अकेले लड़ने का फैसला किया कि लोकसभा में अगर अखिलेश समाज का वोट साथ नहीं आएगा तो विधानसभा में आ जाएगा और समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है वह धाराशाही हो जाएगा, क्योंकि पीडीए में पिछड़े समाज का बड़ा वोट, चाहे वो निषाद समाज का हो, चाहे वो मौर्य समाज का हो, कुशवाहा शाक्य सैनी भी इसमें आते हैं, चाहे वो पटेल समाज का हो या राजभर समाज का हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट वोट भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो दिखाई दे रहा है। आपको हम बता दें 2027 में सपा के साथ खेल करेगी कांग्रेस। कांग्रेस भी तो है मैदान में, राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसका संगठन है, मजबूत कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन खेल करेगी। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने लिए मैदान साफ कर दिया है, उनकी एक मजबूरी है कांग्रेस को साथ रखने की। कांग्रेस से वो नहीं जा सकते बाहर, क्योंकि कांग्रेस मनोवैज्ञानिक रूप से अखिलेश समाज की पहली पसंद है, यानी मुस्लिम समाज की पहली पसंद है। अगर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य छोटे दलों से गठबंधन कर लिया तो समाजवादी पार्टी का खेल इस मायने में बिगड़ जाएगा कि अखिलेश समाज कांग्रेस के साथ चला जाएगा और जो सारे नेताओं को छुटकारा पा चुके हैं वो चाल काम नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने अच्छी चाल चली, लेकिन इससे बीजेपी की मदद हो गई, क्योंकि जो नेता बाहर गए वे बीजेपी के संपर्क में आए और बीजेपी ने नरम गरम उनको अपने साथ रखा और सत्ता का सुख भी दिया। ओपी राजभर को अपने साथ रखा, जयंत चौधरी को अपने साथ रखा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर इतना ज्यादा ना बोले होते तो शायद वो भी उनके साथ चले गए होते, और डॉक्टर पल्लवी पटेल इसलिए नहीं जा रही कि अनुप्रिया पटेल पहले से भाजपा के साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 में जैसा देखा जा रहा है, सपा और बसपा लोकसभा के बहाने 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी का पीडीए कितना सपा के साथ रह पाएगा या लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का हारो हराओ और जीतों में से पहला हटा दिया जाए
तो हराओ और जीतो के तहत, यानी 2024 में हराओ लोकसभा और 2027 विधानसभा जीतो के तहत, 2027 में जीतो वाली पोजीशन पर बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी। बाकी कांग्रेस सैंडविच की तरह रह सकती है, यह राजनीति है, क्या क्या दिखाती है मैं उसको आगे भी बताऊंगा। देखते रहिए यम टी टॉक शो। धन्यवाद।